हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पोटैटो चिप्स की रेसिपी, जो आप एक बार बना लेंगे और महीने तो खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आलू चिप्स बनाने के लिए मैंने 2 किलो आलू को धोकर छील कर पील कर लिया है और ये जो मैंने आलू काटने वाला लिया है इसके लिए चिप्स काटने के लिए मैंने इस टूल का यूज़ किया है। ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, इससे काफ़ी अच्छे चिप्स कट जाते हैं। देख लीजिए, मैंने ऐसे चिप्स काट रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल गोल चिप्स चाहिए तो आपको गोल गोल आलू खरीदने पड़ेंगे। ये देखिए, मैंने 2 किलो जो आलू थे उनको सबको मैंने अच्छे से कर लिया है, चिप्स में काट लिया है। अब मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, सारे आलू के चिप्स को मैंने उसमें डाल दिया है और पानी इतना डालना है कि पूरा ढक जाए आलू और उसे ढककर रख देना है और इसे मीडियम गैस पर रख देना है। 10 से 15 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे कि आलू गल गए हैं या नहीं। मैंने एक फॉक कर लिया है चेक करने के लिए कि आलू ठीक से गल गए हैं या नहीं। तो मैं एक आलू एक प्लेट में उठाऊंगी और ये थोड़ा सा गर्म है तो इसे मुझे धीरे करना है, धीरे से। तो एक बार मैं अच्छे से इसे देखूंगी कि ये अगर बीच में से टूट जाता है तो ये बलकल गया है। अब मैं फ्रेंड्स एक चलनी वाला बर्तन ले लूँगी और नीचे मैंने परात रख दिया है ताकि इस चलनी में जब मैं ये उबले हुए चिप्स डालूँ तो इसका पानी सारा अच्छे से नीचे से निकलता रहे और ये अच्छे से ड्राई हो जाए ऊपर से। तो मैं इधर सारे शिफ्ट कर लूँगी अपने आलू के चिप्स और एक्सेस वाटर इसका यहाँ से निकल जाएगा। ये देखिए, सारे चिप्स मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर लिए हैं। अब मैं ये छत पर आ चुकी हूँ। अब मैंने एक चद्दर बिछा ली है, चद्दर पर मैं ये सारे चिप्स एक एक करके बिछाना है हमें। धूप अच्छी होनी चाहिए अगर हम ये चिप्स बना रहे हैं तो मैं एक एक करके इन चिप्स को बिछा लूँगी पूरी इस चादर पे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे चिप्स को सुखा दिया है और इसे पूरी धूप में अच्छे से सुखाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 2 दिन अच्छे से अच्छे से सुखाया है और ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और आप इसे साल भर आप ऐसे ही रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। जब आपको सेकना हो, जस्ट आपको एक कढ़ाई लेनी है, गरम तेल करना है और इसे आप सेक लेना है नॉर्मल चिप्स या पापड़ की तरह। और सेकने के बाद आपको जस्ट अपना मनपसंद नमक, चाट मसाला या हर्ब्स जो भी ऐड करना है आप ऐड कर लीजिए। आप चाहें तो इसे उबालते टाइम भी नमक या ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप व्रत के लिए आप इसे बना रहे हैं तो आप ऐसे बनाइए ताकि अगर आप व्रत में यूज़ करें तो नमक ना डालें और बाद में डाल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।